राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि छात्रों को सशस्त्र बलों के लिए तैयार करने वाले दिल्ली सरकार के आगामी स्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह स्कूल झड़ौंदा कला में आधुनिक सुविधाओं के साथ 14 एकड़ भूभाग में बनाया जाएगा। भगत सिंह की पुण्यतिथि से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा 23 मार्च को ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा 20 दिसंबर 2021 को हमने घोषणा की थी कि दिल्ली में ऐसा स्कूल होगा जहां सशस्त्र सेनाओं के लिए छात्रों को तैयार किया जाएगा। कल 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झड़ौंदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज़ वन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और सेकेंड फेज़ में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है एक शहीद आज़म भगत सिंह को उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज पेट्रोल और डीजल के 80 पैसे बढ़े दामों को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए प्रेस वार्ता की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अवसर पर तथ्यों के साथ बात करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद देश के तेल खरीद के दामों पर कोई असर नहीं है। उन्होंने इसे गरीबों से अन्याय बताया और इस संबंध में पार्टी के अन्य प्रयासों पर भी चर्चा की। मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम
80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे, और इसी तरह वो हर बार हर 3 दिन को हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं, लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6%, और फिर हर 3 महीने कुछ दिनों उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है, इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी के ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे, तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अडजर्न कर दिए 1 घंटे के लिए, यानी जो चीज़ हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267 में, इसके ऊपर चर्चा करना भी चाहते थे और अपनी बात को भी बताना चाहते थे। LPG भी 50 रुपये बढ़े, किरोसिन वो भी बढ़ा दिए, यानी गरीबों को जो आवश्यक होती है उन आवश्यक चीज़ों को उन्होंने सब बढ़ा दिया है। पेट्रोल तो एक तरफ, LPG दूसरे तरफ, किरोसिन तीसरे तरफ, और ऊपर से एक्साइज ड्यूटी तो खूब उन्होंने लूटा। तो ये बात हम सदन में भी उठाएंगे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल रसोई गैस केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। आप एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। तो इस तरीके की गरीबों की शोषण जिस ढंग से बेरहमी से किया जा रहे हैं, इसके विरोध में हम खड़ा उतरेंगे लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, चाहे हमें वोट में जो नतीजा निकले, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करना और आम लोगों की बात रखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवे वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आज हमारे देश में केवल यहाँ काम हो रहा ऐसा नहीं है, हम लोग चेन्नई से बेंगलोर का रोड बना रहे हैं, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा। काफ़ी लंबी लिस्ट है, पर मैं सम्मान्य सदस्यों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 2014 में हमारी सरकार आई। मैं निरंजन जी आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। ये झोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी, बाद में इसके बाद 4 बार टेंडर हुआ, एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया, दूसरे बार टेंडर आया तो ILFS को मिला, वो ILFS की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया, तीसरे बार टेंडर आया उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई, फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, और मैं केवल ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है और दिल्ली में एक एसोसिएशन करके एक संगठन संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए, और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ ना मैं इंजीनियर हूँ, पर मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहाँ तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, यहाँ तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दें। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री, और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कॉम्पिटिशन हुई, और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया, और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा। वार्ड नंबर 26S मोहन गार्डन में जनता से राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने बात की। इस क्षेत्र की पार्षद बबीता संतलाल अग्रवाल है, विधायक नरेश बालियान और सांसद प्रवेश वर्मा है। यहाँ की सफाई व्यवस्था और नालियों की स्थिति बहुत बुरी है। जनता के अनुसार MCD कर्मचारी यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उन्हीं की तरह ठेकेदार अपना कार्य पूरा नहीं करते। वहीं पार्षद के भांति विधायक के कार्यों को लेकर भी मिला जुला रुख देखने को मिला, और सांसद के बारे में पूछने पर पता लगा कि पिछले 10 सालों से जनता ने उनका चेहरा नहीं देखा है। नेताओं के कार्यकलापों से इलाके की जनता की थकान साफ देखी जा सकती है। केंद्र सरकार के फैसले से सभी पार्टियों को भूल सुधार करने का कुछ समय मिल गया है। आशा है सभी नेता इस अवसर का लाभ उठाएंगे, नहीं तो जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 26S उत्तम नगर में है, इस समय मोहन गार्डन में। हाँ जी, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं उनको जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम निशांत है। निशांत जी, आपके जो नियम पार्षद कौन है वार्ड का? हमारे उत्तम नगर विधानसभा के 26S वार्ड का बबीता संतलाल अग्रवाल जो BJP से निगम पार्षद है, वो पिछले 5 साल से हमारे वार्ड में काबिज हैं, और उनके विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास के लिए अगर हम कहा जाए तो विकास तो उन्होंने करवाया है, पर कह के जो काम होता है वो करवाया तो फिर क्या करवाया? क्यों, क्या होता है कि हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उनके लिए उसको शिकायत करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, बिना कहे उनसे कोई काम नहीं होता। पिछले 2 महीने से सीवर भरे पड़े हैं,
सीवर की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सफाई करने वाले आते हैं, उसमें डंडी देते हैं, पाइप देके चले जाते हैं और वो कहते हैं चालू हो गया, उसके बाद वो खोल के चले जाते हैं, उसके दो दिन बाद वही समस्या दोबारा हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। वार्ड के अंदर साफ़ सफाई का बहुत बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का बहुत बुरा हाल है। हमारे वार्ड के अंदर कोई भी MCD की डिस्पेंसरी नहीं है। हम इस चीज़ के लिए पिछले 5 साल से निगम पार्षद से प्रयास कर रहे, पर इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा जो MCD में है, पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार भी उठा रही है, विपक्ष भी उठा रहा है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जिसनी जो काम MCD को करने चाहिए वो MCD अपना काम नहीं कर रही है। बस ये है, बस मकान बनते हैं तो आ जाते हैं, हमारे इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, बस सफाई का कोई नहीं है। अब चुनाव आने वाले हैं तो सब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं, एक तरह से कह लो कि हेलीकॉप्टर उम्मीदवार अब हमारे एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। आपके विधायक कौन है? हमारे यहाँ के विधायक पिछले 7 साल से विधायक काबिज हैं, आम आदमी पार्टी के श्री नरेश बाल्यान जी द्वारा भी कई काम करवाए गए हैं, पर हमारे एम ब्लॉक 26S में जो हमारा एम ब्लॉक आता है, एम ब्लॉक मोहन गार्डन, उसके अंदर पिछले 7 साल में जो केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी स्कीम थी कि हम CCTV कैमरे लगवाएंगे, वाईफाई लगवाएंगे, वो हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं लगे हैं। ना वाईफाई की कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई CCTV की कार्रवाई हुई है। सड़क के लिए भी हमने पिछले 6 साल से 2 साल से परेशान थे, वो सड़क अब बना के दिए, जिसमें भी दोनों साइड में नालियाँ नहीं बनी हैं, नालियाँ सारी टूटी पड़ी हैं, उनमें दुनिया भर का कूड़ा भरा हुआ है। वार्ड के अंदर और उत्तम नगर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर की हर जगह प्रॉब्लम है, गंदे पानी की हर जगह प्रॉब्लम है। आप देखेंगे द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर तक को जो इतना भयंकर जाम है, हम सब झेलते हैं उसको एक नहीं, उसको पूरी 2 या 3 विधानसभाएं देखती है, नजफगढ़ विधानसभा, मटियाला विधानसभा, उत्तम नगर विधानसभा। सबसे बड़ा जाम मिलता है हमको उत्तम नगर, जो 10 या 15 मिनट का सफ़र है उसको हमको 1-1 घंटे में सफ़र को पूरा करना पड़ता है। ये हाल है और ये समस्या पिछले 10 सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विधानसभा के अंदर सदन में विधायक जी भाषण देते हैं कि द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर के लूप के ऊपर जाम मिलता है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तो सत्ता परिवर्तन होगा जब भी कुछ कार्रवाई होगी। सांसद हमारे लगते हैं BJP के पिछले 10 साल से काबिज हैं, श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा। क्षेत्र में हमारे पिछले 10 साल में अगर मैं बात करूं तो सांसद का कोई दौरा नहीं हुआ है। सिर्फ चुनाव के दौरान एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मीटिंग होती है, जिसका भी हमको पता ही नहीं लगता कि सांसद यहां आएंगे, मीटिंग है क्या है, कुछ नहीं है, उसका कोई हमको भी नहीं। विशेष कुछ कहना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार अपने काम को तवज्जो दे। केजरीवाल सरकार से हमारी यही एक दरख्वास्त है कि हमारे एरिया के ऊपर भी ध्यान दे, विधायक जी के ऊपर, विधायक जी को हम हाथ जोड़ के बोलना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र पे भी ध्यान दे। ये नहीं कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो वो अभी क्षेत्र में काबिज होंगे, अब आने वाले टाइम में पता लगेगा कि नगर निगम का क्या रिजल्ट होगा। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा की 2025 में पता लगेगा कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार दोबारा काबिज होगी कि भाजपा काबिज होगी। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 26S में है, मोहन गार्डन आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, वो जो हैं उनको जानते हैं, उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आपके क्षेत्र के अंदर जो है ये निगम पार्षद कौन है? नरेश बाल्यान जी। हाँ जी। वो विधायक हैं जो आपके जो निगम पार्षद हैं? हाँ जी। बबीता संतला? हाँ जी, बबीता संतलाल है जी। हाँ जी। उनके जो है विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विकास के बारे में ये देखो जी, आपके सामने है जी, यहाँ पर ये जो मतलब जमादार आते हैं वो भी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हुए आते हैं, धूल उड़ाते हैं, चले जाते हैं, झाड़ू ढंग से नहीं लगाते बिल्कुल भी, और सारा कूड़ा नालियों में कर जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं नालियों की, आप फोटो दिखा सकते हैं इसमें। हाँ जी। और आपके सामने है, देखो ये कितना गंदगी है इधर, ये सारा उसी का काम है। ये बहुत काम आते हैं जी, यहाँ ऐसे ही चले जाते हैं जी, बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जी। नरेश बाल्यान। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनका ही विकास देख लो जी, सामने है जी आपके, ये जो कुछ करते हैं, अब क्या बताएं, समस्याएं कई हैं। पानी की लाइनें फूटी पड़ी हैं, देखो यहाँ पर ये गैस वाले आए थे, इसमें
वो अपना वो जो है इनका जो पायलट होता है वो मार गए इसके अंदर, पूरी लाइन फूटी पड़ी है, पानी सारा पानी सीवर में जाता है ये, और इस गली के अंदर भी जो है पाइपलाइन फूटी पड़ी है। तो कंप्लेंट करी है जी हमने, हाँ जी, नहीं आया अभी, नहीं आई जी। परमेश वर्मा जी हैं, दर्शन नहीं हुआ जी आज तक। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 26S मोहन गाड़े में है, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोट हैं, जो वोट देते हैं, वो जानते हैं क्षेत्र के विकास के बारे में। नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम कोमल है। आपके जो निगम पार्षद कौन है, वार्ड का जो निगम पार्षद कौन है? सर आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानती क्योंकि वो कभी आए नहीं है। अच्छा, जानते नहीं है, मतलब हाँ। बबीता संदलाल, ओके ओके, थैंक यू सर। सर विकास नहीं, विकास किया है, किया है यानी क्या मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैं जानती नहीं, नाम नहीं जानती उनका, तो फिर देखे नहीं तो हाँ अच्छी हाँ आप समझ सकते हैं। जी हाँ हाँ नरेश सर, उन्होंने तो किया है कि क्या नाम है, थोड़ा सा मंदिर वगैरह में आते रहते हैं वो, हाँ मंदिर वगैरह में, तो ये यहाँ पे ही सूर्य विराट मंदिर है तो वहाँ पे वो लोग आते हैं और वहाँ का थोड़ा सा विकास किया। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 26S मोहन गार्डन में है हम इस समय, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। वैसे तो यहाँ के लोग आपको पठान के नाम से जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दे सर। आर के राठी, आर के राठी राठी जी, कूड़ा उड़ा तो कूड़ा तो टाइम से उठ जाता है, ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी क्षेत्र में निगम पार्षद कौन है? घर घर से आके ले जाते हैं। निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? बबीता अग्रवाल जी। जी उनके जो है बताइए विकास के बारे में, तुम बताते बताइए। बस विकास ये है, कूड़ा कूड़े की गाड़ी दूर हो जाती है, वो ले जाती है घर घर से। अच्छा, बाकी और वैसी साफ सफाई ज़्यादा होती नहीं है, झाड़ू वाले से इतना ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? नरेश बाल्यान। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये पुराने पेंडिंग काम थे या पूरे हो गए, तीन साल पहले काम शुरू हुआ था, पूरा हुआ था, अभी भी हुआ नहीं है पूरा, कुछ बचा है? हाँ तो कैमरे वैमरे तो लगे नहीं है, खैर चलो, बाकी ये सड़कें वड़के जो शिविर डले थे तो अभी बजा के बनी है, तीन साल में पहले शुरू हुई थी, अब बनी है। क्षेत्र का सांसद कौन है? ना हमारे क्षेत्र में नहीं। आपके प्रधान होने, इस ब्लॉक के प्रधान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे सर? बस विशेष तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, चल रहा है सही। मंगल लाल जी, आपका निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? निगम पार्षद तो ये है, क्या नाम है इनका, बबीता अग्रवाल। विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विकास तो उनकी तरफ से ठीक होता है, बाकी जो जो ठेकेदार है ना, वो ठेकेदार आनाकानी करते हैं कामों में। जैसे जैसे ये मट्टी पड़ी है, ये पड़ी है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है नाली के ऊपर, बिल्कुल नाली की सफाई नहीं, सीवर जाम है, ये चीजें हैं बस दिक्कत की हमारी तो। जी जी, ये मट्टी उठाते नहीं है, वो इधर भी जमा उधर भी जमा, ये भी जमा, छोड़ दे जहाँ काम किया और वहीं छोड़ देते हैं, बस ये है। बाकी साफ सफाई में ये है कि कूड़े के लिए ऐसा झाड़ू वाले आते हैं, वो झाड़ू ढंग से खैर लगाते नहीं है, और फिर लगा के इकट्ठा कर देते हैं तो उसको उठाते नहीं है, जैसे गटर में से माल बाहर निकाला तो वो शाम तक उठ जाना चाहिए, सूखने के बाद वो फिर यहीं पड़ा यहीं फैल जाता है सारे में, और कूड़ा जो है इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं, वो साथ के साथ उठा के नहीं ले जाते हैं गाड़ी में, तो वो फैल के फिर दोबारा आ जाता है सड़कों पर आ जाता है वो, तो कूड़ा मतलब साथ के साथ उठना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन है? नरेश बालियान। अब ये उन्हीं के अंडर में तो सारे काम है, आधा उनके जुम्मे आधा उनके जुम्मे, अगर उनसे कहो तो वो उनका नाम ले देते हैं, उनसे कहो तो वो उनका नाम ले देते हैं, ये जी काम के लिए कहें तो बस ये है और कुछ नहीं है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 26S कार्य में समय आई जाते हैं आगे स्थानीय लोग जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र। मेरा नाम यतेंद्र शर्मा, यतेंद्र शर्मा। क्षेत्र बबीता अग्रवाल, बबीता अग्रवाल।
विकास के बारे में वो आदमी भेजते हैं, मगर आदमी सही तरीके से काम नहीं करते। उनके जो इस भी किसी को कहेंगे वो अपने सफाई कर्मचारियों को भेजेंगे, वही सफाई कर्मचारी आएंगे, लंबी चौड़ी झाड़ू जो बारी इधर उधर इकट्ठा किया, मगर वो उठता नहीं। दो चार घंटे बाद वो हवा चली, उसके बाद फिर वही चीज़ वहीं पहुँच जाती है। तो आपके विधायक हमारे यहाँ नरेश वालियान जी, उनके विकास उनके विकास के बारे में, वो काम के विकास के बारे में करते हैं वो, जो परंतु जो ठेकेदार हैं उनके, वो ठेकेदार सही समय पर काम पूरा नहीं करते। जहाँ काम करते हैं उस काम में आधा काम करेंगे, आधा छोड़ देंगे। जब ठेकेदार जब काम अपना हम कंप्लेंट करते हैं, वो आते हैं, ठेकेदार उनके सामने हाथ पर जोड़ लेता है, वो एक महीना दो महीने का टाइम और दे देते हैं। जो काम पिछले साल 14 अगस्त को पूरा होना था, वो 14 अगस्त का काम जो है ना, दो साल बाद सड़क तो बनी मगर नाली नहीं बनी। इसी जगह पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पे नरेश वालियान जी माननीय विधायक जी ने उसको टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया कि 14 अगस्त तक अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुझे आगे काम नहीं दूंगा। मगर उसके बावजूद भी अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। मेरा सहज राम राठी, राठी आपके क्षेत्र का जो वार्ड है, मतलब वार्ड जो है 26 है, उसका निगम पार्षद कौन है? संत लाल बबीता अग्रवाल। बबीता अग्रवाल तो उनके जो है विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो काम करते हैं अपना सही हिसाब से, हाँ वो जो उनकी है अंडर काम है वो करते हैं, हाँ हाँ कोशिश करते हैं पूरी अपना। हाँ, और विधायक कौन है? विधायक नरेश वाल्यान। उनके जो विकास कार्य क्या करते हैं? उनका तो 3.5 साल हो गए, रोड नाली बनाने के लिए टेंडर हुआ था, आज तक नहीं बने, सब काम अधूरा पड़ा है। 50 बार गए हैं, एक बार क्या? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। तो आपके क्षेत्र के सांसद कौन? प्रवेश वर्मा। दौरा किया आपके क्षेत्र में? नहीं किया। कभी नहीं किया? काश, क्या करेंगे जी, ये तो अपना पेटा भरते हैं, अपना अपना पैसे खाते हैं, मौज लेते हैं। अब 5 साल बाद जब 4 साल पूरे हो जाएंगे फिर आ जाएंगे, अगर हमें वोट दो। अब जनता छिक चुकी है, कोई वोट नहीं देगा, ऐसे काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। राजधानी में बड़ा बदलाव, दिल्ली में अब तीनों नगर निगम एक होंगे, मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर में ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाकालेश्वर मंदिर में खेली गई रंग पंचमी, बाबा महाकाल को लगाए गए टेसू के फूलों से बने रंग। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा जनता को दिया महंगाई का एक और उपहार। महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा द कश्मीर फाइल्स ऐसे हालात पैदा कर रही है जिससे देश को नुकसान हो सकता है। मान सरकार ने शहीदी दिवस को लेकर नई परंपरा का किया आगाज, भगत सिंह के शहादत वाले दिन पंजाब में रहेगी छुट्टी। तृणमूल कांग्रेस ने कहा बदले की राजनीति करने के लिए भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही। ऑल इंडिया चैंपियनशिप के उप विजेता लक्ष्य सेन ने कहा मैं अपना सपना जी रहा हूं। गली बॉय फिल्म धर्मेश परमार ने ली अंतिम सांस, रणवीर सिद्धांत ने जताया शोक। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।